और इनका ये होता है कि ये बड़े खाब बड़े जंप नहीं मारते, लेकिन चींटी की स्पीड से पहुंचते हैं और ये टॉप पे ही आना चाहते हैं। ये हैं वो पांच जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जिनको बच्चों की तरफ से बेनिफिट्स कह लें या फायदे कह लें, ऐसे वालदैन जिनको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग अपने हवाले से जानना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिस पर शायद ही किसी ने कभी बात की हो, इस एंगल की तरफ सोचा हो कि कौन से जॉर्डिक हैं जिनके जो औलाद है उनके लिए रहमत बनती है, उनके लिए उनको माली बेनिफिट देकर जाती है और उनकी जो औलाद होती है उनको जिंदगी में मतलब कि एक अच्छा सुकून वाली लाइफ देती है। क्योंकि आजकल ये एक हमारे माशरे का एक अलमिया भी बना हुआ है, अपने पेरेंट्स को लोग इतनी कदर नहीं करते, उस तरह से इज्जत नहीं देते। लेकिन ये जॉर्डिक कौन से हैं, अगर आपके बच्चे का ये जॉर्डिक है तो आप समझ जाएं कि इसमें ये फसलतें हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं, वो पैसों का फायदा हो, घर का फायदा हो या ऐशो इशरत का फायदा हो, कौन से औलाद जो है अपने पेरेंट्स को देकर जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलालमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इसमें सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चुना है। डेफिनेटली आपकी जिंदगी का सारा दारोमदार, आपकी सारी की किराए पे औलाद काफी होती है पानी फेरने को या उसको रंग लगाने को। जिंदगी का वालदैन जितना इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं आपके, आधी जिंदगी का वालदैन और फिर उसके बाद आधी का बच्चे, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है। इसी तरीके से पांचवा घर इन्वॉल्व होता है इसमें किसी भी बर्थ चार्ट की रीडिंग में। जाती तौर पे तो देखें, ये पर्सनल बर्थ चार्ट ही बता सकता है कि उसके पांचवें घर की क्या सूरत हाल है, उस पर कितने मैल्फिक प्लैनेट्स की नजर है या उसमें बैठे हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों का डिले हो रहा होता है तो सैटर्न आया होता है, सैटर्न वहां बैठ के तंग करता है, शो ऑफ करेगा तो बर्बाद होगा ऐसा बंदा जिसके पांचवें घर में सैटर्न हो। इसी तरीके से बच्चे लेट हो जाते हैं, वहां मार्स आ जाए बच्चे लेट हो जाते हैं। इसी तरीके से राहु आ जाए तो बच्चे मौत पे आपके नहीं होते, आप अकेले मरेंगे। और इसी तरीके से केतु आ जाए, बच्चे आपको बीमार या कोई उनको मजदूरी आ जाती है या कोई इस तरह से मसाइल होते हैं। तो वो तो एक डिटेल, लेकिन एक जर्नली, जैसे आपने सवाल किया जॉडिक के मुतालिक, तो एक जर्नली हम जरूर उसमें ओवरव्यू दे सकते हैं कि मोस्टली ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल बच्चे होते हैं वो जो माँ बाप को वेल्थ फेम और प्रोस्पेरिटी देते हैं, वो लियू के बच्चे सबसे पहले नंबर पे हम कंसिडर करेंगे। कि जो लियू माँ हो बाप हो कोई भी, उसका बच्चे जो है वो उसको फेम भी देंगे, वेल्थ भी देंगे और प्रॉस्पेरिटी भी देंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो कैंसेरियन होगा। कैंसेरियंस के बच्चे जो है ये भी कैंसेरियंस, क्योंकि इनको इनहेरिटेंस में भी काफी जायदाद दे के जाते हैं और वैसे भी ये फिर उसको संभालते भी अच्छा है और अपनी जाती कंट्रीब्यूशन भी देते हैं बच्चे इनकी सक्सेस में, इनके काम में, इनकी जिंदगी में एक अच्छे कंट्रीब्यूटर के तौर पे नुमाया फिनेंशियल बेनिफिट्स या फिनेंशियल गेन्स के हिसाब से भी अच्छे रहते हैं कैंसेरियंस के बच्चे। उसके बाद अगर बात करें तो कैप्रिकॉर्न के तीसरे नंबर पे बच्चे जो हैं वो भी अमूमन फैमिली बिजनेस को चार चांद लगाते हैं। कैप्रिकॉर्न बाप है, कैप्रिकॉर्न माँ है, बिजनेस है, अमूमन बिजनेस होता है क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स खुद भी बड़े स्लो स्लो चलते हैं, रिस्क नहीं लेते, शॉर्ट टर्म गोल्स बना के चलते हैं और पहुंच जाते हैं। और इनका ये होता है कि ये बड़े खाब बड़े जंप नहीं मारते, लेकिन चींटी की स्पीड से पहुंचते हैं और ये टॉप पे ही आना चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न नीचे नहीं रह सकता। और कर्म का घर है, दसवां घर है, डूइंग हाउस है, बड़ा कुछ करना चाहते हैं ये लोग। तो इनके बच्चे भी फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट भी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बायस भी बनते हैं वालदैन की, और उनके लिए जो है वो किसी भी तरह की जो है ना, जो आजकल का मसला वालदैन चाहते हैं कि जी बच्चा भी कोई करे। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही बड़ा गलत है, ये 20 20 25 25 साल के होके बर्डन बन के बैठे हुए माँ बाप पे,
और सिस्टम ही गलत है कि जी एमबीए करेगा, एमएस करेगा, पीएचडी करेगा तो आप जो है वो कमाएगा, तो ये बड़ा गलत है। इतनी देर नहीं, इंटर के बाद ही बच्चे को कारोबार, बेशक रेडी लगवा दो, बिजनेस कराओ पहले, तो जॉब माइंडसेट से निकलो। और दूसरा ये होता है कि इंटर के बाद ही आज़ाद करो कि भाई अब तुमने अपने घर में कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है, अपना एक्सपेंस भी करना अभी से शुरू करवाएं, ताकि बच्चा जब बड़ा 20-22 तक का हो तो वो स्टेबल हो, 25 में 20 से 25 में शादी करें, ताकि वो जल्दी इस काबिल हो कि अभी वो 40 में होगा उसका बच्चा भी जवान हुआ होगा तो इसमें वो जिंदगी जी सकेगा। इसमें जिंदगी में वो कोई, वरना आप अमूमन पेरेंट्स को देखें कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि जी पहले बहन भाइयों का, माँ बाप का करते रहे, फिर बहन भाइयों का करते रहे, अभी बहन भाई सेट किए ही थे तो बच्चे आ गए, अब बच्चों का सर पे चल ही रहा है, अभी मैं तो बूढ़ा हो गया और बच्चा अभी जवान नहीं हुआ, ये लेट शादियां और लेट उसमें, अब इस सारी जिंदगी में ये बेचारा मर्द जो है या खातून जो है गधा बन गए, और इसमें कोई इनकी पर्सनल ये नहीं कर सके जिंदगी, अपनी जिंदगी को ये कुछ नहीं दे, और एंड पे बीमारियां और फिर बिस्तर। तो उससे कहीं आइडियली मैं समझता हूँ कि आपको बच्चे को 14 साल की उम्र से ही काम शुरू कराएं, 14-15-16 ऑनलाइन अब तो शॉप्स बनती हैं, चीजें होती हैं, तो बेटा अभी से ही करो, ताकि अपना एक्सपेंस अगर हर बच्चा 14-15-16 में उठाए, जैसे यूके यूरोप में होता है, इंटर के बाद तो बच्चा आजाद है जी, 18 का हुआ कहानी खत्म, अब हुकूमत देगी या वो खुद लोन लेके पढ़े उनकी बात है। अब क्या फायदा होगा कि बच्चा अपना खर्चा उठा रहा है, हर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा अपना उठाता जाएगा, एट दी एंड मियां बीवी को कहीं अपने को पर्सनल ट्रिप और पर्सनल, बल्कि इस पे कभी प्रोग्राम भी करें कि इस्लाम की जो शरई इंटरटेनमेंट है वो सिर्फ सैर सियाहत है, ये लोगों को नहीं पता होगा, सैर सियाहत ही हलाल इंटरटेनमेंट है जिसको इस्लाम प्रमोट करता है, और उस पे आप जाहिर बात है अब एक बाप है उसी ने 6 बंदों का खर्चा उठाना है, अब वो 1-8-9 लाख बाहर का टूर हो या कोई भी हो, इससे भी ज्यादा अब तो खैर टिकटिंग बहुत एक्सपेंसिव होगी, अगर लोकल भी हो तो ये वो अपनी जाती जिंदगी बेचारे मियां भी गुजार ही नहीं पाते, इतनी पाकिस्तान में स्ट्रेस्ड लाइफ है उनकी, तो इसलिए बच्चे बड़ा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इस पे जो कैप्रिकॉर्न के बाद 4th नंबर पे टॉरस के बच्चे जो हैं वो जबरदस्त होते हैं, और वो उनके प्रॉपर्टी और फिनेंशियल सिक्योरिटी और फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लाते हैं टॉरस के बच्चे भी, और टॉरस क्योंकि अर्थ साइन है डेफिनेटली ये भी जमीन जायदाद जरूर बनाते हैं, और इनके कोई ना कोई खुला मामला चीजें होती हैं, और आगे बच्चे भी उसमें अच्छा कंट्रीब्यूटर के तौर पे साबित होते हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो 5वें नंबर का उसमें टॉप 5 में जैसे हमने कहा कि आएगा वो पाइसिस का बच्चा होगा। पाइसिस के बच्चे भी अचानक अनएक्सपेक्टेडली इनके लिए बहुत वेल्थ और सक्सेस अपनी क्रिएटिव इनोवेटिव वेंचर से क्रिएट करते हैं, तो ये हैं वो 5 जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जिनको बच्चों की तरफ से बेनिफिट्स कह लें या फायदे कह लें ऐसे वालदैन जिनको मिलते हैं। हाँ, इसमें अगर वैसे जाती तौर पे फिर भी अगर ना हो तो फिर एक दफा अपना बर्थ चार्ट पर्सनल रीडिंग जरूर किसी एस्ट्रोलॉजर से करवाएं, और उसे कहें कि मेरा 5th हाउस बताओ भाई, मुझे 5th हाउस के मुतालिक बताओ कि मेरे बच्चे मेरे मामला कैसे रहेंगे, और बच्चों के बच्चे होते हैं 9वां घर, फिर 5वें से 9वां अगर किसी ने देखना हो, और कई दफा ऐसा नजर आता है कि बच्चे अपने तो काम में फिर आगे भी 9वां घर खराब है, आगे औलाद नहीं होती, आपकी औलाद की औलाद नहीं होती या कोई बेनिफिट्स नहीं आते, तो इसलिए 5वें घर को इंटेलिजेंस भी वही है। अच्छा, इसमें एक और बात भी बता दूं, आपने चेक करना हो कि बंदा जहीन है या नहीं, तो फिर चेहरे से, अगर बंदा खूबसूरत होगा तो उसके बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, और बच्चे भी खूबसूरत हों, ये इंटेलिजेंस इसका मतलब 5वां घर अच्छा है, 5th हाउस नहीं, ये कैसे पता लगे बच्चे खूबसूरत हैं, जबकि हम अगर बाहर के ममालिक में देखें वेस्टर्न डीज, वहां अपशी भी हैं, तो अपशियों को तो कहा जाता है कोजे, तो अब उस वाले से देखा जाए कि उनमें भी खूबसूरती होगी, वो कैसे पता लगे खूबसूरती का मियार हर जगह अपना। ये आप बाहर नहीं गए ना, कि आप बाहर गए होते तो आपको पता चलता है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हम यहाँ के लोगों का जाती जो है ये स्टैंडर्ड है काले और इसका, यकीन करें लंदन हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही होता था,
मैं लंदन का एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। लंदन सबसे बड़ा दुख ही ये होता था कि काला तरीन आदमी और उसके साथ खूबसूरत तरीन गोरी, जो अपोजिट एक दूसरे के, और बंदे का दिमाग बस घूमता था कि ये क्या कॉम्बिनेशन है। सेम ऐसी गोरा और फिर काली, ऐसी उधर पेयर्स मिलते हैं। तो ये यहाँ का प्रॉब्लम है, फर्क वहां का नहीं है। और ये दूसरी बात ये है कि अब यहां से भी समझें कि ये जो रंगों के फर्क पैदा हो रहे हैं, ये प्लैनेट्स की हेमिस्फायर पे, अर्थ पे, उसकी एनर्जीज और उसके इम्पैक्ट की वजह से हमारी शबाहत, हमारी शक्लें, हमारी चीजें डिफरेंट होती हैं। क्योंकि हम जमीन के कौन से हिस्से पे पैदा हुए हैं, वहाँ प्लैनेट्स कौन सी अपनी इम्पैक्ट किस डिग्री में डालते हैं, उससे हमारे रंग और ये सारी जो साख्त है वो बनती है। बहुत जबरदस्त समा साहब आपकी रिसर्च और रीडिंग है, और आई थिंक बहुत से लोगों को बेनिफिट्स होगा। अच्छा, इसमें अभी भी मैटर करता है कि औलाद जो है वो कौन से जोड़िए की होनी चाहिए जो पेरेंट्स के साथ वफादार होती है, क्योंकि आजकल बड़ा मसला इसी सेंटर छोड़ाते हैं, वो कदर नहीं मिलती जब उनकी शादी करते हैं तो बच्चे जो है, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब बहुत अच्छे भी हैं, माँ बाप का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन कई इनमें से ऐसे हैं जो ज्यादातर समझ लें कि वो कदर नहीं करते, बीवियों के बातों में आ जाते हैं, या बीवियां मतलब कि समटाइम ऐसी मिल जाती हैं जो फ्रस्ट्रेशन का बाइस बना देती हैं, बंदे को मजबूर कर देती हैं। तो वो जोड़िए मतलब आपको औलाद में अगर देखें, वो आपकी रिसर्च के मुताबिक कौन से हो सकते हैं? देखिए, वो ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए पर्सनल बर्थ चार्ट का पांचवा नौवां घर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सही मानों में आपके इस तरह की जो एक्टिविटी एक्सट्रीम है ना, ये एक्सट्रीम वही बताएगा और तब ही मुमकिन है। इसी तरह फर्स्ट हाउस उसका अपना वो खुद कैसा है, फिर उसका पांचवा घर कैसा है, फिर उसका नौवा घर कैसा है, यानी कि वो उसका बाप कैसा है, वो बाप के साथ कैसा है, वो पूरा ट्रायंगल बनता है। तो फिर ये स्टोरी क्रिएट होती है कि इसने ये किया क्योंकि इसका ये था पैदाइश और इसने अपने बाप के साथ यूं किया, अब इसकी औलाद इसके साथ यूं करेगी। ये जो कहानियां बनी हुई है ना कि वो एक बाप को फेंकने जा रहा था दरिया पे लेके, तो बाप ने कहा बेटा थोड़ा सा आगे फेंकना, उसने कहा क्यों अब्बाजान, उसने कहा तेरे दादे को मैंने इधर फेंका था तो मुझे थोड़ा सा आगे फेंकी, समझाने की गर्ज से कि बेटा जो मैंने किया भुगत रहा हूँ, जो तू करेगा भुगत रहा है। लेकिन इसमें कनेक्टिविटी होती है आपके, एक तो आपकी अपनी जाति असेंडेंट की फर्स्ट हाउस, दूसरा पांचवा बच्चे, और नौवा आपका, आपकी जो बाप का माना जाता है या आपके जो फोर फादर्स और फिर आगे। तो ये कहानी आपस में यूं ट्राइंगल जो है वो चेक करनी पड़ती है, फिर पता चलता है कि बच्चे को बेनिफिशियल होंगे नहीं होंगे, क्या सीन बनेगा। बस बहरहाल आपने जो जनरल रीडिंग दी है उनमें आप भी लोग देखें कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बताएं कि आपके बच्चे कितने वफादार हैं, जो जो सामा साहब ने टॉप के जोड़ी बताए हैं, और अल्लाह करे कि हम सब के जो माँ बाप हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे सब, आमीन भी नीचे कमेंट में लिखें। तो बाकी सामा साहब बहुत शुक्रिया आपका एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देने का। तो नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, इस तरह के बड़े मजे के टॉपिक्स जो हैं जो वाकई इंटरेस्टिंग हैं और वाकई इनके ऊपर रियलिटी बेस्ड करती है एस्ट्रोलॉजी की, हम लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।